हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज नादिया और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, स्पेशली PI AIC के कोर्स के बारे में जो कि मैंने ज्वाइन किया। और मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि वो क्या कोर्स है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आई गिव यू गाइस द डिटेल्स। इसके अलावा हम जूम मीटिंग की बात करेंगे जो कि हमने पिछले सैटरडे की, एंड दैट वाज सो मच फन। मुझे नहीं पता था कि you know, हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसे ही लग रहा था कि फिजिकली वी आर सिटिंग टुगेदर और ऑन द सेम प्लेस, यू नो, सेम टेबल, एंड वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, एंड इट वाज वेरी गुड। वी टॉक्ड अबाउट ADHD, वी टॉक्ड अबाउट, यू नो, किड्स डाइट, एंड वी टॉक्ड अबाउट, यू नो, होम स्कूलिंग ऑब्वियसली। सो इट वॉज फन। मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया, आई थिंक फर्स्ट हाफ मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने जो 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 जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनसे मैंने परमिशन नहीं ली, तो इसलिए उसको मैंने फिर यूट्यूब पे नहीं डाला। सो एनीबडी हु इज गोइंग टू ज्वाइन माय जूम मीटिंग, प्लीज नो दैट आई बी रिकॉर्डिंग सो दैट आई कुड पुट इट ऑन यूट्यूब, ताकि दूसरे लोग भी जो अगर सुनने वाले हों वो भी उससे थोड़ा सा अगर उनको कुछ अच्छा मिल जाए सीखने को, दे कैन ऑल्सो लिसन टू दैट। सो सबाद ने ज्वाइन किया, आयशा थी, मरियम थी, आई थिंक तूबा थी, एंड वन अदर आई थिंक फातिमा थी, एंड यू नो वी ऑल यू नो चैटेड, एंड वी हैड अ गुड टाइम। लाइक मुझे भी दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छा लगता है कि एवरी मदर वॉज विलिंग टू शेयर हर थॉट्स एंड हेल्प अदर मदर, बिकॉज हेल्पिंग अनदर मदर इज लाइक हेल्पिंग अनदर फैमिली, हेल्पिंग अनदर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो मुझे बहुत प्रोडक्टिव लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू हैव दिस जूम सेशन अगेन ऑन दिस सैटरडे। सो यू गाइस एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन इन, दे कैन जॉइन ऑन सैटरडे एट 5 PM, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द कोर्सेज। हम लोग जैसे पिछले साल आपको पता होगा कि मैंने ज्वाइन किया था, इरफान मलिक को सुनना शुरू किया जब मैंने, तो मुझे पता चला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यू नो, एंड फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके कोर्सेज जो वो फ्री कोर्स करवा रहे थे वो भी लेना शुरू किया, एंड उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी आ रही थी, तो इस वजह से आई कुडंट कीप अप। आई यूज टू लिसन टू एवरीथिंग, सारी बातें मैं उनकी सुना करती थी, सब कुछ, सारे लेक्चर्स भी मैं सारे लेती थी, लेकिन जहाँ पर मैं स्टक हो जाती थी वहाँ पर फिर यू नो आप स्टक हो जाते हो, फिर आप डिस्करेज हो जाते हो, फिर आप उसको फाइनली जो है वो कहते हो अच्छा यार मैं इसको यू नो ये चीज़ नहीं हो रही, एरर आ रहा है, ये चल नहीं रहा, इसको कहाँ से निकालूँ, ये कैसे अपलोड करूँ, तो ये थिंग्स हैड बीन क्रेजी लाइक दैट। और मैं, मेरा टेक का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, सो आई वाज जस्ट लैगिंग बिहाइंड। सो फिर मैंने, इट वॉजन रियली, ये मेरा कोई कह सकते नहीं आप ही कि मेरा बेसिक फोकस अपने बच्चों पर ही था कि यू नो दे गेट टू लर्न समथिंग। वो पता इरफान के पास उसने इंटर्नशिप भी की, इसके बाद वी वर ऑल्सो लुकिंग फॉर हर कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूशन हमें मिल जाए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही हो। फिर वी सॉ देयर वर सम कोर्सेज लम्स वाज ऑफरिंग इन समर्स, तो हम वहाँ जा नहीं सके क्योंकि हमारे घर से लम्स का रास्ता बहुत ज़्यादा था और काफ़ी वहाँ पर रास्ता ख़राब भी हुआ था, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फिर हमने यहाँ पर कुछ सर्च करना शुरू किया, देन हमारे घर के बहुत पास पड़ता है अल्फा करीम टावर, तो अल्फा करीम में इनकी जो वाबडा टाउन की ब्रांच थी वहाँ पे कोर्सेज हो रहे थे, तो मनाहिल ने वहाँ पे 2 मंथ्स का एक कोर्स अटेंड किया, विच रियली वॉजंट लाइक, अभी उसका ख़त्म हुआ है और शी गॉट द सर्टिफिकेट, एंड इट वॉज वेरी, यूँ कह लें कि उन्होंने बेसिक्स वगैरह कुछ नहीं सिखाए, उन्होंने बस जो जो कोड है इस तरह आपसे आपने कस्टम चैट बॉट्स बनाने हैं, इन अ वे अच्छा भी था, दूषी का स्ट्रेस्ड आउट अलॉट, ये अच्छा भी था कि यू नो उन्होंने मुश्किल से स्टार्ट किया, फिर जो बेसिक्स थी वो सारी चीज़ें, आज जब मैं बैठती हूँ उसे पाइथन की लिस्ट और डिक्शनरीज और जो बाकी चीज़ें मैं जब उसको सिखाती हूँ तो उसको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उसने स्टार्ट ही इस तरह से किया कि उसने, उसको ABC आती थी पाइथन की, बट शी स्टार्टेड विद मेकिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो एंड पे 2 महीने के एंड में जब उन्होंने कहा कि भी आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है कोई, तो शी मेड अ वेबसाइट, शी वर्क ऑन इट फॉर टू वीक्स डे नाइट। जब वो उसकी इवेल्यूएशन के लिए गई तो जनाब मैं भी थी उसके साथ, एंड
इवेल्यूएशन वॉज लाइक जोक. उन्होंने बस वो कोई वो जो टीचर्स के थे भी नहीं, कोई और टीचर थे. उन्होंने बस पाँच वो कह रही थी कि मैं उनको एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो वो कहते नहीं नहीं जस्ट मुझे क्रक्स बताओ क्रक्स बताओ. ही डिडंट रियली पे अटेंशन टू व्हाट टू हर वर्क. एंड हालांकि बीइंग अ मदर आई नो कि शी पुट इन सो मच एफर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स एंड एंड व्हाट नॉट. सो जस्ट दे जस्ट जिसको कहते हैं ना कि जस्ट मगरों लाया, तो उन्होंने मगरों लाया. तो बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि शी डिडंट लर्न एनीथिंग, शी डिड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो बट दिस वाज नॉट लाइक ए उन्होंने बस क्लास में सिखा दिया, बता दिया कि ये है, हाँ कोड में ये देखें ये कोड है ये लिखा है. हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे कि नहीं आप ही हमें सिखाएं भी बताएं भी ये किस तरह से हो रहा है. दे जस्ट एक्सपेक्टेड देम टू रिसर्च द बेसिक्स. ठीक है, सो दैट वाज द थिंग. एंड मीनवाइल किसी से मैंने रابطہ किया, जानने वाले थे उनसे मैंने रابطہ किया. ही हैड बीन इन आईटी फॉर लाइक लास्ट 20-25 ईयर्स. मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे दो जो मेजर चीज़ें ना दो मेजर बातें आपने मुझे बता दी हैं. एंड उन्होंने मुझे दो मेजर बातें यही बताई कि देखो कहीं पे कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं. एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब, यू जस्ट गो चेक आउट द यूट्यूब एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम देयर. वंस यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, गो टू अपवर्क और एनी अदर साइट दैट इज प्रोवाइडिंग यू यू नो प्रोजेक्ट्स, और जो कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वहाँ से पकड़ो एंड स्टार्ट डूइंग इट. मेक मिस्टेक्स यू नो, एंड ऐसे ऐसे करते करते यू विल लर्न. अगर आप पीछे थोड़ी चीज़ें सीखोगे उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ चले जाओगे तो वो लोग अंडर पे करेंगे आपको, इंटर्न ही रख लेंगे एंड यू नो आपसे सारा काम भी कराएंगे एंड दे वोंट पे यू एज मच एज यू नो यू कैन अर्न विद योर ओन प्रोजेक्ट्स. सो लेकिन फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि आई नो वन इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, दैट इज PIAIC, एंड आप उसमें इनरोल कर सकते हैं एंड देन यू नो दैट्स अ गुड कोर्स. जब भी इन्होंने कहा कि भी आप यूट्यूब से सब सीख सकते हैं सो कोर्सेज की इतनी जरूरत नहीं है, बट देन अगेन ही ऑल्सो मैंशन के PIAIC भी एक कोर्स है तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं. अच्छा मैं जरा थोड़ा ढीला बंदा हूँ तो मैंने नहीं इतना इस पर फोकस किया. अर्शद ने मुझे कहा कि डिड यू अप्लाई फॉर दैट, नाउ इज लाइक इट्स यार. उसकी वेबसाइट मैंने खोली, उस वेबसाइट में दो तीन चीज़ें थी बेसिक. मैंने कहा यार मैं इस पर क्या करूँ. देन आई हैड टू अप्लाई, दे सेड कि आई कैन अप्लाई. मैंने अपनी एप्लीकेशन भरी सारी, उसके बाद उनको चाहिए थी एक ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर और वो मुझे मिल नहीं रही थी. फिर मैंने कहा यार क्या मतलब मैंने उसको फिर ना सो मुझे ना बहुत डिटेल में स्टोरी सुनाने की आदत है. सो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं ऑब्वियसली कि नहीं ईजी कि यार ये क्या ही कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जा चुकी थी एंड आई डिड नॉट गेट मच रिस्पांस. मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग अभी खुद सीख रहे हैं और फिर एकदम उन्होंने इसमें हाइप देखी है तो फॉरन कोर्सेज देना शुरू कर दिए हैं. एंड यू नो जो मुनाहिल का अपने टीचर के साथ एक्सपीरियंस रहा एंड आई वॉज नॉट रियली पॉजिटिव. मेरा कोई ऐसा नहीं था कि यार दिस इंस्टीट्यूशन कुड गिव मी समथिंग गुड. बट मैंने मरते खपते अपनी को पुरानी सीख तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड वाली ढूंढी, उसको लगा दिया, एप्लीकेशन सेंड कर दी. उसके बाद आई वॉज होपफुल एट ऑल, आई वॉज रियली लुकिंग फॉर एन आंसर. एक दिन लाइक दो एक महीना दो महीना डेढ़ ढाई महीने के बाद गई, उस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आया, ईमेल आई कि भाई योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड यू कैन जॉइन, वी विल सेंड यू मोर डिटेल्स शॉर्टली. फिर एक और ईमेल आई, देन उन्होंने जब वो पहली ईमेल आई देन आई वाज लाइक यार लाहौर में पता नहीं कहाँ पे होगी, किस लोग क्या लोकेशन होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, अगर दूर हुई तो प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू गो. क्योंकि जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल आते हैं, जब आपकी अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, इट तो फिर आप दोबारा से जब कुछ सीखना चाहते हैं, दोबारा से जाना चाहते हैं उस एजुकेशनल फील्ड के अंदर, बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि तो फिर जनाब आपको वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि नॉट पहले आपके बच्चे आते हैं, उसके बाद यू लाइक के पता नहीं है अर्शद मुझे अगर दूर हुआ तो इतनी दूर कहीं लेके जा भी सकेंगे कि नहीं लेके जा सकेंगे, उनका अपना काम है. सौ चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जिनको आपने सेटल करना होता है. बट लकीली द नेक्स्ट ईमेल दैट केम इट सेड के लोकेशन जो है, जो हमारा वेन्यू है, दैट इज UMT, दैट इज प्रीटी क्लोज. संडे को क्लास है 9 to 1. मैं सोचा यार मैं संडे को 9 to 1 क्या कर रही होती हूँ, कुछ भी नहीं भाई.
आई वॉज अप फॉर इट. तो वो जनाब फीस थी 4,500 3 माह की. मैंने बहुत सारी जगह देखी जहाँ पे फीस ना उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनकी कोई क्लासेस का कोई हाल था, ना पता कि टीचर कहाँ है, कौन है टीचर. एंड दे वर आस्किंग लाइक 90,000, 1,20,000. हम ये जो है आपका चाय वाला जो है, आई ऑलवेज फॉरगेट हिज नेम, ये चाय वाला के पास भी हम उससे भी कॉन्टैक्ट किया हमने. तो बेसिकली हम ये कॉन्टैक्ट जो दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूशन में कर रहे थे वो मनाहिल के लिए कर रहे थे, बट रिस्पॉन्स यही था कि यार उनका कोई सही अता पता नहीं है. और वो इस तरह जिस तरह सेल पे लगाई हुई है, ये जी सेल पे कोर्स है हमारा 120 का है, आपको 90 में करा दी. लेकिन 90,000, 60,000, 1,20,000 के लिए कोई पैसे ही नहीं है, ठीक है. दे वर प्रिटेंडिंग लाइक दैट. और आगे पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना. 1 महीना, हद 2 महीने, 3 महीने वो कोर्स उनका चलना है बस दैट्स इट. एंड दिस वन इज फॉर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल या 2 साल. And I don't know about other people, but I'm having so much, I'm going to give you so much positive feedback about this this course that I'm having from BIAIC. Teachers bahut acche hain. Again, sab kuch aap pe depend karta hai. Aaj kal aapke paas, maine jis tarah aapko bataya ki unhone kaha ki aap YouTube se seekhein, bahut sari online resources hain. Lekin phir yahan pe aake ye hota hai ki aap kahin फंस जाते हैं, आप फ़ौरन जाके पूछते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, ही वुड सॉर्ट इट आउट फॉर यू, ठीक है. क्लास में बैठे हैं 4-5 घंटे की आपकी क्लास है, ऑनलाइन क्लास है आपकी, वहाँ पे आप 100 दफ़ा सवाल पूछ सकते हैं, वो इतनी डिटेल में आपको आंसर देते हैं. कराची के टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लास में होते हैं, यहाँ पे हमारे लाहौर के टीचर्स इतने ज़बरदस्त, सर टीचर्स बहुत आला हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको हमेशा हेल्प आउट कर रहे हैं. इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे जो टेक के बच्चे हैं, जो टेक में ऑलरेडी 2-3-4 साल से हैं, और उन्होंने एक और अलहदा से ग्रुप बनाया हुआ है जो कि वही क्वेश्चंस जो होता है माई क्लास में होता है, उसमें अगर हमें फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं, कहीं हम फंस रहे हैं, कहीं हमारी कहीं एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है, दे हेल्प अस आउट विद दैट. आई हैव जॉइंड वन ऑफ देयर देयर कम्युनिटी एंड आई एम लाइक आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि यार लोग कुछ शेयर नहीं करते, अगर किसी को कुछ आता है तो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वही सब करते हैं. आपको बस सीखने वाला होना चाहिए. सो आई फील आई एम वेरी आई एम इन गुड हैंड्स एंड आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स. तो मुझे सिखाने का मतलब ये है कि मेरे जो आगे बच्चे हैं या मुझे कोई भी बच्चा मिलता है जिसको कुछ समझ नहीं आएगी, आई विल हेल्प देम आउट, ठीक है. तो दिस इज समथिंग वी शुड अप्रिशिएट. एंड आप लोग भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं. www.piaic.org इज द लिंक. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगी, आप इसको विजिट कर सकते हैं. आप एप्लीकेशन अपनी जब खुलेंगी एप्लीकेशन आप लेट यू नो एट दैट टाइम एज वेल. तो एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं, फिर आप यू कैन वेट फॉर इट एंड यू नो वेन यू गेट द चांस यू कैन जॉइन इट एंड लर्न सो मेनी थिंग्स. पाकिस्तान, हम पाकिस्तान कितनी सारी लर्न कर चुके हैं, जो कि मैंने मुझे 1 साल हो गया ऐसा पढ़ते हुए. लेकिन ऑब्वियसली जब कहीं एरर आता है, आप स्टक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप डिफरेंट वीडियोज देखते हैं, आप उसमें वो जो ट्यूटोरियल आपको समझा रहा होता है वो तो आगे जा रहा होता है, आप वहाँ कहीं फंस जाते हैं, तो वो चीज़ फिर आप सॉर्ट आउट नहीं होती आपसे और आप डिस्करेज हो जाते हैं. बट हियर स्काई इज़ द लिमिट. वी लर्न अबाउट GitHub, यू नो different IDEs and Google Collab पे कैसे काम करते हैं. यू नो एवरी डे वर लर्निंग समथिंग ग्रेट, लाइक डॉकर्स, कंटेनर्स क्या होते हैं, वर लर्निंग यू नो लिनक्स, लर्निंग अबाउट लिनक्स कमांड लाइन, एंड यू नो देयर सो मेनी थिंग्स एंड देयर सो मच पॉसिबिलिटी लाइक फॉर पर्सन लाइक मी एज़ वेल, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था इन चीज़ों में. एंड आई एम लविंग इट, ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और ये चीज़ें फिर मैं आगे अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, जहाँ पे उनको कोई कहीं फंसते हैं या कोई मसला आता है, आई हेल्प देम आउट एज़ वेल. सो ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये थी डिटेल्स, ठीक है. आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, आपने अप्लाई करना है, आपको ईमेल आती है, यू हैव टू वेट फॉर द ईमेल. आपने जल्दबाज नहीं होना कि अभी तक ईमेल नहीं आई, मुझे 2.5-3 महीने तक मुझे ईमेल नहीं आई. सो वेट फॉर द ईमेल, जब ईमेल आती है यू नो यू कैन गो. अगर कहीं भी है प्लीज़ जस्ट गो देयर. एंड एक 1.5-2 साल का ये सारा
कोर्स है, लेकिन इसके बावजूद लाइक आपको 6 माह के अंदर ही यू गेट यू नो सो मच एक्सपीरियंस, यू लर्न सो मेनी थिंग्स कि आप प्रॉबली 6 माह के बाद अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए? इसके अलावा ये है, बस ये है कि इट्स पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम माई साइड. इट्स नॉट दैट कि दे हैव आस्क्ड मी टू डू दैट और समथिंग, दे हैव बीन लाइक अमेजिंग. बाकी आप इफ यू वॉन्ट टू फाइंड फॉल्ट इन समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू दैट. अब हमारे पे जितना वो हमें सिखा देते हैं उसके बाद ऑब्वियसली जितना काम उन्होंने कराया है उसके बाद डबल काम हमने खुद करना है, तब जाके रिजल्ट मिलते हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, एंड you guys have a great day. Bye.